हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड, विच इज ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पहला असी बेसिक नॉलेज वाल जाने हैं, अदरवाइज सब तुम पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास के। सो थानू जस्ट रिकॉल करवाया जा रहा है कि तुम आ चीज़ पढ़ के आ चुके हैं। तो 10th क्लास के देखा होगा बच्चे, तुम इस तरह का एक बीकर लें, बीकर के कोई ना कोई सल्यूशन लें। इस सल्यूशन की बोलिया जाता है? इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इन असी की बोलते हैं? इलैक्ट्रोलाइट। ये असी दो रॉड्स पा दें, जिहड़ा कि जो सोल्यूशन कोई रिएक्शन होंगी है तो जी एनोड ते कैथोड के रूप के साढ़े सामने आते हैं। सो इन रॉड्स नू की कहा जाता है? इलैक्ट्रोड्स। सो ये उदो ही रिएक्शन होएगा जो इनू किसी बैटरी के नाल कनैक्ट किया जाएगा। ठीक है, आ की हो गया थोड़ी सैल या फिर बैटरी जिहड़ा कि थोड़ा इलैक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हुण ध्यान ना समझो बच्चे, अगर तो दो टर्मिनल्स यूज़ की आ, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नैगेटिव टर्मिनल। जिहड़ी वड्डी टर्मिनल हुंदी आ बच्चे वो पॉजिटिव हुंदी आ, छोटी हुंदी आ नैगेटिव टर्मिनल। अगर इत्थे दो ही टर्मिनल यूज़ हो रहे आ पॉजिटिव नैगेटिव, दैन दिस इज़ सैल। तेनू की बोलिया जाता? सैल। जिहड़े कि तुसीं अपने घरां दे विच अपनी रिमोट दे विच कह लो या खिडौणियां दे विच जिन्ने भी साडे टॉयज़ हुंदे आ उहदे विच जिहड़े इस तरह के सैल जिहड़े आ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इहदे विच दो ही टर्मिनल्स आ। क्लीयर हो गया? वैन नंबर ऑफ सैल्स आर कनैक्टड विद ईच अदर दैन इट विल बिकम बैटरी। फॉर एग्जाम्पल असी इस तरीके नाल किन्ने बड़े सैल इकट्ठे कर ले। ठीक है, तो इदा दे सिंबल नूं असी की बोलते हैं? बैटरी। तुसीं आ चीज़ भी देखी होनी है बच्चे, तो साढ़े घर के जड़िया वड्डिया बैटरीज होंदिया आदा के दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नैगेटिव। ठीक है, सो इदा जो नंबर ऑफ सैल्स मिल जाते हैं तो उन्होंने असी बैटरी बोल दें। सो आप मेन कॉन्सैप्ट अपना नैक्सट चलते हैं, इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल। ठीक है, द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलैक्ट्रोलाइट ऑफ द सैल। हुण ध्यान ना बच्चे, आ डायग्राम दोबारा देखो कि असी इस तरह का सल्यूशन लिता सी, आ सेंटर दे विच जो असी सल्यूशन लिता इनू असी की बोलते सी? इलैक्ट्रोलाइट। इहदा मतलब इलैक्ट्रोलाइट जो रजिस्टेंस ऑफर करेगा, रजिस्टेंस असी पढ़ चुके हैं जिहड़ी करंट नू फ्लो होने तो रोकदा होवे। ठीक है, जो रजिस्टेंस ऑफर किया जाता इस सैल द्वारा, वैन करंट फ्लो थ्रू इट, जो असी इसकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। हूँ सब तो पहला असी EMF पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सैल इन एन ओपन सर्किट। ध्यान रखना बच्चे, ओपन सर्किट मतलब जो असी बैटरी कनैक्ट नहीं की हुई। सो सिंपल डायग्राम के समझते हैं, जिदा वाला सैल आ बच्चे एक कमिस्ट्री का आ। सो कमिस्ट्री के कह लो डिटेल दे विच तुसी पढ़ते हैं, बट जो फिजिक्स के आ जाते तो असं सिंपल इस तरीके पढ़ते हैं। सो आ वाला जो सैल आ ये ड्रॉ करन दी जरूरत नहीं आ, इसे करके थानू पहला भी दसिया गया कि दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, सो पहला सैल देखो बच्चे, आ थोड़ा सैल लग्या होया, सैल दे नाल असी की आ बल्लब कनैक्ट कर दिता। ध्यान ना देखो इतने ग्रे कलर का बल्लब है, मतलब बल्लब थोड़ा चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुसी की ओपन रखी आ। ओपन का की मतलब आ कि थोड़ा स्विच ऑफ आ। क्लीयर हो गया? तुसी स्विच ऑफ किया होया आ तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, थोड़ा बैटरी काम नहीं कर रही, तो बल्लब भी नहीं चलेगा। ठीक है, इहदा मतलब हुण ध्यान ना फिर कमिस्ट्री वाले टॉपिक ते आओ, आ वाले दो इलैक्ट्रोड्स थानू ये भी पता कोई ना कोई सल्यूशन पाया होया इहदे अंदर, तो इत्थे भी मान लो आ जिंक की प्लेट आ, इत्थे HCl पाया होया, तुसी कुछ ना कुछ जिहड़े आ ऑटोमैटिकली कोई ना कोई रिएक्शन हुंदा होएगा, तो दोनों प्लेट्स के विचकार जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्हूं असी की बोलते हैं? EMF। जो करंट जो असी बैटरी अटैच नहीं की हुई, ध्यान ना समझ लो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सैल इन एन ओपन सर्किट, जो बैटरी कनैक्ट नहीं की हुई, नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सैल इज कॉल्ड EMF ऑफ द सैल। ठीक है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा दो पोल्स के विचकार असी उन्हों EMF बोल देंगे, जिन्होंने डिनोट किया जाता है कैपिटल ई दे नाल।
क्लियर हो गया। सो यदि ऐसा यूनिट की होंगे वोल्ट या जाउल्स पर कूलम, सानू पता वोल्ट नू कादे विच लिख दिया जाउल पर कूलम दे विच, ठीक है। सो चाहे वोल्ट लिख दो चाहे जाउल पर कूलम लिख दो। नेक्स्ट देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हुण असीं की कीता आही वाला सैल आ बच्चे, सारा कुछ सेम आ। हुण इस केस दे विच असीं की करांगे, सैल नू बैटरी ऑन कर दांगे। जिद्दां ही असीं बैटरी ऑन करांगे, ध्यान नाल देखो सैकेंड दे विच असीं बैटरी ऑन कर दित्ती, इहदा मतलब थोड़ा की हो गया स्विच ऑन कर दिता, ठीक है। जिद्दां ही स्विच ऑन करांगे तां सर्किट क्लोज हो गया, इहदा मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जिद्दां ही करंट फ्लो होएगा तां थोड़ा जिहड़ा बल्ब आ ओह की आ ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हुण होया कि इस केस दे विच असीं सैल कनैक्ट कर दिता, इहदा मतलब पूरे दा पूरा जिहड़ा क्लोज सर्किट रिएक्शन प्रॉपर वे ना हुणी स्टार्ट होगी। उस टाइम आ दोनों इलैक्ट्रोड्स दे विचकार जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उहनूं असीं की बोलदे आ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी बच्चे दोनों दे विचकारला डिफरेंस ध्यान नाल समझना। EMF वी पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा दो इलैक्ट्रोड्स दे विचकार, पर जिहड़ा आ तुहाडा सर्किट आ उह ओपन होना चाहिए आ, स्विच ऑफ होना चाहिए आ। पोटेंशियल डिफरेंस की आ दो इलैक्ट्रोड्स दे विचकारला पोटेंशियल डिफरेंस, बट हुण की होना चाहिए क्लोज्ड मतलब कि ऑन होना चाहिए आ। क्लीयर हो गया बच्चे कॉन्सैप्ट, तुहानूं दोनों दे विच कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान नाल कॉन्सैप्ट नूं समझना आ। अगे हुण पोटेंशियल डिफरेंस दी बच्चे असीं डेफिनेशन पढ़न जा रहे हां। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सैल इन अ क्लोज्ड सर्किट, जदों कि सर्किट तुहाडा की होएगा क्लोज वैन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सैल, जदों कि करंट पास होगा सैल दे विचकारों तां उहनूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सैल किया जाता, जिन्होंने कि डिनोट किया जाता है कैपिटल वी दे नाल। सो ऐसा यूनिट बच्चे ये भी सेम होंगे वोल्ट और जाउल पर कूलम। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखो बच्चे अपना आर्टिकल, दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द 3 marks। सो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। हुण बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सैल दी असी की निकालना आ, रिलेशन निकालन लगे हाँ, ठीक है। सो उहदे लई बच्चे तुहानूं एक डायग्राम ड्रॉ करनी पएगी। सब तो पहला की है एक सैल ड्रॉ कर लो, सैल दी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होएगी जिहनूं असी इस तरह नाल शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान नाल बच्चे अपनी रेजिस्टेंस शो करनी आ बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस तरीके नाल, ठीक है। सो ये की आ स्मॉल आर, आ की आ थोड़ा सैल, ठीक है। सो इत्थे असी की कीता इनू एक होर रेजिस्टेंस दे नाल जोड़ दिता। जिहड़ी बच्चे एक होर रेजिस्टेंस है, केड़ी रेजिस्टेंस है, जिहड़ी थोड़ी तार दी रेजिस्टेंस होएगी या बार वाली रेजिस्टेंस जिहनू की कैपिटल आर दे नाल डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो इत्थे सानू कोई ना कोई की लगानी पएगी, स्विच लगाना पएगा। इस स्विच तो सानू पता लगेगा कि सर्किट क्लोज आ कि ओपन आ। अगर बच्चे आ वाला देखो एरो आ हवा च लटक रहा, अगर हवा दे विच आ इहदा मतलब इत्थे की होएगा ओपन सर्किट, या फिर आ एरो पाओ ना सिंपल इन्ना लिखिया रहन तो, ठीक है। सो इन्नी चीज़ बच्चे सब नू क्लीयर होगी। हुण मैं होर कलर दे नाल बना रही हाँ। असी की कीता इस सैल दे नाल इत्थों बच्चे लगाया और इस तरीके ने एक अमीटर लगाता, EMF लगाता, ठीक है। सो दिस इज EMF, यानू लिखा जाता E.M.F, ठीक है जी। सो इस तरह का तुसी एक सर्किट डायग्राम बनाना, जदों कि सर्किट की आ थोड़ी की आ ओपन, उदों थोड़ा की होएगा EMF। सेम इन द केस ऑफ अगर तुसी एक सैल लैने आ, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होएगी स्मॉल आर, एक बार वाली रेजिस्टेंस होएगी कैपिटल आर, ठीक है। इत्थे असी एक स्विच लगाने आ। हुण ध्यान दिओ बच्चे इत्थे असी स्विच बंद कर देना, ठीक है। इहदा मतलब इहदे विचों करंट फ्लो हो रहा आ। करंट कित्थों फ्लो हुंदा? ऑलवेज पॉजिटिव टू नैगेटिव वल, इहदा मतलब करंट इधरों इधर नूं फ्लो हो रहा। क्लीयर हो गया। उपर वाले देखो बच्चे असी आई इहदे विच नहीं हैगा, क्यों नहीं आ? क्योंकि तुहाडा सर्किट की आ ओपन आ, इहदे विचों करंट फ्लो नहीं हो रहा। सैकेंड वाला की आ बंद आ, मतलब कि इत्थे ऑन आ तुहाडा सर्किट, ठीक है। इत्थे ऑफ सी, इत्थे ऑन आ। जे ऑन आ तां इहदा मतलब थोड़ा करंट फ्लो होएगा। सो फिजिक्स की लैंग्वेज बच्चे ऑन ऑफ नहीं लिखा जाता, फिजिक्स की लैंग्वेज लिखा जाता क्लोज्ड एंड
ओपन सर्किट। क्लियर हो गया? सो आप मैथमेटिकल पोर्शन लिखना स्टार्ट कर दें। डायग्राम बनाने तो बाद बच्चे मैथमेटिकल पोर्शन देखो, स्टार्ट कितों करना है। कंसिडर अ सैल ऑफ ई एम एफ ई कनेक्टेड टू एन एक्सटरनल रजिस्टेंस आर एंड वन वे की के। बच्चे आ वन वे की आ जिन्हों के लिखा जाता, ठीक है। सब तो पहला की किया ई एम एफ कनैक्ट कर दिता आर दे। क्लीयर हो गया जो साड़ी फर्स्ट डायग्राम आ। स्मॉल आर इतने की दर्शा रही है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सैल, कैपिटल आर की है थोड़ी एक्सटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सैल। आर एंड स्मॉल आर नू कनैक्ट किया गया सीरीज के। सीरीज की आ बच्चे जोड़ा करंट इधरों पास होएगा उधर तो उधर जाएगा, ठीक है। यद मतलब सारी वायर के सेम करंट पास हो रहा, जो सेम करंट पास हों मतलब वह की होएगा थोड़ा सीरीज के होएगा। अगे पढ़ो यदा मतलब टोटल रजिस्टेंस कि होएगी आर प्लस कैपिटल आर ओम। करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट, सो करंट कि फ्लो करेगा आई इज इक्वल्स टू बच्चे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली पहला समझ लो। सो मैं ब्लू पेन यूज़ कर ली ताकि ये तुसी अपनी कॉपी ते नहीं लिखना, साइड ते लिख सकते हैं समझने वास्ते। V इज इक्वल टू आई आर हुंदा, असी सिर्फ आई निकालनी है, V डिवाइडेड बाय आर आ। हुण असी की जोड़िया आ ई एम एफ, इहदा मतलब V दी जगह ते असी की लिखांगे ई एम, ठीक है। सो ई लिखांगे ई एम एफ, आर दी जगह ते की लिखांगे आर प्लस आर, क्योंकि दोनों सीरीज दे विच जुड़े हुए आ, ठीक है। सो असी इहदी जगह ते की लिख रहे हां आर प्लस आर। बच्चे क्लीयर हो गया? कैपिटल आर की जगह पर असी दोनों रजिस्टेंस क्यों लिखिया, इंटरनल रजिस्टेंस प्लस एक्सटरनल रजिस्टेंस। यदा मतलब कैपिटल आई का आंसर कितना आएगा, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन। क्लीयर? सो बच्चे इक्वेशन नंबर वन तो सबनों क्लीयर है। सो इक्वेशन नंबर वन थोड़ी आ गई आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। सो आ थोड़ी इक्वेशन नंबर वन सी। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बच्चे के इक्वल हुंदा आई आर दी। इतों आई निकाल लो, वी गेट वी डिवाइडेड बाय आर। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन, पुट इन इक्वेशन नंबर वन। सो वी गेट आई, आई दी जगह पर बच्चे की आ जाएगा, आई की जगह पर आ जाएगा वी ओवर आर इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ठीक है। आ वाली आई की जगह पर असी की पुट कर दिता वी ओवर आर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट वी आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई आर। सो वी आर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू ई आर। बच्चे कैपिटल आर वाली टर्म्स एक पासे लै जाओ, साढ़े को आ जाएगा ई आर माइनस वी आर। नाउ बच्चे आर कॉमन लै लो, वी गैट ई माइनस वी आर, ठीक है। सो सानू की चाहिए, सिर्फ इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल। असी एक्सप्रैशन कि निकालना इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल, मतलब अभी सिर्फ आंसर कि निकालना स्मॉल आर का। सो स्मॉल आर का आंसर कि आएगा, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय वी ई माइनस V। हुण बच्चे आ वाला V नू असी अंदर लैके चले हाँ, सो आ जाएगा E ओवर V माइनस V ओवर V, V दे नाल V कैंसल। सो फाइनली R दा आंसर कितना आ जाएगा, कैपिटल R E ओवर V माइनस वन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ फॉर थ्री मार्क्स। अगर थोड़ा इस टॉपिक दे विच किते भी कोई प्रॉब्लम आई होवे या मैथमेटिकल पोर्शन कोई ना समझ लग गया होवे, डायग्राम क्लीयर ना होवे, तां तुसी पुछ सकदे हां। थैंक यू सो मच।